वर्तमान केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है और भारत का अन्नदाता सरकार को आतंकवादी नजर आ रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। ये बात हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता आकाश शर्मा ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने पंचायती संस्थाओं के चुनाव से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर भी अपने विचार प्रकट किया। वहीं आकाश शर्मा ने कहा कि नगर निगम एक्ट में वार्डों की हदबंदी के बारे में जानकारी दी गई है कि सभी वार्डों की जनसंख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन मंडी नगर निगम के वार्डों की हदबंदी सही ढंग से नहीं की गई है। आज मैं पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन के बारे में भी आपके समक्ष बात रखना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बंदर बांट जो है पंचायती राज संस्थाओं में, जिला परिषद में, नगर निगमों में की जा रही है। पिछले कल जो है जिला परिषद का रोस्टर हुआ और बहुत से लोगों ने आपत्ति जाहिर की कि उनकी सीमाओं को जो है वो गलत तरीके से आवंटित किया जा रहा है। मैं ये जो है नगर निगम का एक्ट है जिसमें चैप्टर नंबर 2 में वेरी क्लियरली लिमिट्स ऑफ वार्ड्स का क्लॉज है नंबर 4 में, जिसमें ये लिखा गया है कि वार्ड्स की हदबंदी किस प्रकार की जानी चाहिए। वार्ड की हदबंदी इस प्रकार की जानी चाहिए कि जनसंख्या सभी वार्डों में बराबर हो, वो टेपोग्राफिकली और जियोग्राफिकली वो कॉम्पैक्ट हो वार्ड। ऐसा नहीं हो कि एक वार्ड की हद जो है दूसरे वार्ड में पड़ती है। आप देख रहे हैं मंडी नगर निगम में जो किया गया शासन और प्रशासन द्वारा, उसमें जो खलियार एक वार्ड है उसमें 4000 और 4500 के करीब जो है पॉपुलेशन है, दूसरे वार्ड में पॉपुलेशन 2000 और 2500 के करीब है। कई वार्ड बिल्कुल छोटे कर दिए गए और कई वार्डों का इतना एरिया कर दिया गया कि 8-8, 9-9 किलोमीटर तक जो है वो वार्ड है। सेकेंडली, मैं रिजर्वेशन की भी बात करना चाहता हूँ। एक्ट में बड़ा क्लियरली है 10 सेक्शन में, इसमें चैप्टर 2 में ही 10 में रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स के लिए, जिसमें नगर निगम में ये बड़ा क्लियरली इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि रिजर्वेशन जब आपने करनी है तो आपने SC ST की जो सीट्स हैं उनको पहले निकालना है, उसके बाद जो अनरिजर्व्ड वार्ड रहते हैं उनको जो है आपने लॉट्स ऑफ ड्रॉ के माध्यम से लेडीज सीटों को करना है। आज ये स्थिति यह बनती जा रही है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे शहर के कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें खलियार वार्ड है आपका, आपका भगवान वार्ड है, आपका थनेड़ा वार्ड है, आपका जेल रोड है, और ऐसे 5 और 6 वार्ड हैं जो लगातार 15 वर्षों से जो हैं वो महिला ही उस वार्ड में रिजर्व हो रही है। वो महिला के लिए, अगर महिला के लिए वो वार्ड रिजर्व होना है तो जेंट्स का क्या दायित्व तो बनता है। और कुछ वार्ड्स हैं वो लगातार खुले ही हैं बहुत ज़्यादा। मैंने जो है 2011 की जनगणना को भी उठाया सरकारी सेक्टर से, और उसमें भी मुझे लगा कि महिलाओं और पुरुषों की जो तादाद है वो गलत तरीके से आवंटित की गई है। जो आपकी वोटर लिस्ट है यदि आप उनको चेक करेंगे SDM के कार्यालय में, तहसील में या नगर निगम के कार्यालय में, तो आप देखेंगे कि कई वार्डों में महिलाओं की बहुत ज़्यादा तादाद है लेकिन उनको रिजर्व नहीं किया गया है। इस तरह की जो डिस्पैरिटी है वो नहीं की जा सकती है। बहुत से लोग जो हैं माननीय उच्च न्यायालय में भी अपील की है, आज भी अपील लगी है जवाब के लिए माननीय एडमिनिस्ट्रेशन के, DC मंडी के। लेकिन मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि यह सब कार्य सरकार और प्रशासन के होते हैं कि किस प्रकार से जनता की सुविधा को जो है सुनिश्चित करें। लेकिन यहां पर ऐसा है कि आम आदमी तो जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, आम आदमी जो है अपील में नहीं जा सकता, अतः ये प्रोसेस इन्होंने पूरा कर दिया है। थर्डली, मैं पॉइंट ये भी रखना चाहता हूँ कि आज तक हमने यही देखा है कि कोई भी पंचायत लेवल के इलेक्शंस हो, जिला परिषद के हो, नगर परिषद के हो, नगर निगम के हो, पहले रोस्टर जारी किया जाता है, उसके बाद जो है वोटर लिस्ट आती है, उसके बाद जो है आपका जो है वो नोटिफिकेशन इलेक्शंस की होती है, जो आज तक इलेक्शन कमीशन करता आ रहा है, और जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी फॉलो करता है। लेकिन यहाँ नगर निगम के इलेक्शन में ये बहुत ही रोषजनक विषय है कि आज 4 महीने पहले ही जो है इन्होंने रोस्टर जारी कर दिया, अपनी अनुशंसा के अनुसार जो है वार्ड जो है वो रिजर्व कर दिए हैं, वार्ड की जो जियोग्राफी टेपोग्राफिकली कंडीशंस है उनको बिल्कुल नहीं देखा गया। लोगों में जो है बहुत ज़्यादा रोष है, कई वार्ड्स तो जो बहुत पुराने जो स्टेट टाइम के वार्ड्स थे उनके अस्तित्व को ही जो है वो ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। और ये बहुत ही दुखजनक है कि एक निचले लेवल पे यदि कोई आना चाहता है, कोई आपका उभरना चाहता है, कोई लोगों के पक्ष को रखना चाहता है, अपने शहर के पक्ष को रखना चाहता है, उस बंदे को बाहर करने के लिए इन्होंने एक वार्ड को जो है वो तीसरी चौथी दफा जो है वो लेडीज वार्ड जो है वो कर दिया है, जो बेहद ही दुखजनक है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ यदि मीडिया के माध्यम से कि माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो है इसमें कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। यदि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं माननीय न्यायालय में, उनको माननीय कोर्ट को खुद जो है सुमोटो इसमें कॉग्निजेंस लेके इस सारे प्रोसेस को जो है वो डिरेल्ड करना चाहिए, स्टे करना चाहिए, और दोबारा से इनको डायरेक्शन देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि दोबारा से वार्ड की हदबंदी दो, दोबारा से जनसंख्या निर्धारित की जाए और दोबारा से रिजर्वेशन हो।